हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10 क्लास गोधली भाग 2 से चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबर साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। सेकंड प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो इसका आंसर है, जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। पहला है, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। सेकेंड है, जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। थर्ड है, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, भले ही वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों ना हो, भले ही उसे भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। फोर प्रश्न है, जातिवादियों का कहना है कि प्रप्रांगत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वो अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। फाइव है, जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहृत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती। थर्ड प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? इसका आंसर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई हैं जो चिंतनीय हैं। पहला है, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। सेकंड है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। थर्ड है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। फोर है, आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। फाइव है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि आत्मशक्ति को दबा देती है, साथ ही अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय भी बना देती है। फोर प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? इसका आंसर है, भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है, श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। फाइव प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आंसर है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही ये पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीकी में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। सिक्स प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो इसका आंसर है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता, मजबूरी बस
जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। 7 प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इसका आंसर है, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है, आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। 8 प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। 2nd है, समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक के संचालित हो सके। 3rd है, समाज की बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबके उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। 4 है, सामाजिक जीवन में आभास संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। 5 है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। 6 है, इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित अनुभव का आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। तो इसका आंसर है, सभ्य का विलोम अशभ्य है, विभाजन का विलोम संधि है, निश्चय का विलोम अनिश्चय है, ऊंचा का विलोम नीचा है, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता है, दोष का विलोम निर्दोष है, सजग का विलोम निर्जग है, रक्षा का विलोम अरक्षा है, पूर्ण निर्धारण का विलोम पर निर्धारण है। प्रश्न है कि पाठ से विशेषण चुने तथा उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। तो इसका आंसर है, सभ्य मतलब विशेषण शब्द है, सभ्य उसका वाक्य है, यह सभ्य समाज है। विशेषण है मैत्रिक, तो इसका वाक्य है, मोहन के पास पैतृक संपत्ति है। विशेषण है पहली, तो इसका वाक्य है, गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। विशेषण यह है, तो उसका वाक्य है, यह निर्वाद रूप से सिद्ध है। विशेषण है प्रति, तो इसका वाक्य है, साथियों के प्रति श्रद्ध हो। विशेषण है हानिकारक, तो उसका वाक्य है, जाति हानिकारक प्रथा है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इसका आंसर है, दूषित का पर्यायवाची शब्द होता है गंदा और अपवित्र, श्रमिक का होता है मजदूर श्रमजीवी, पेशा का होता है रोजगार नौकरी, अकस्मात का होता है एकाएक अचानक, अनुमति का होता है आदेश निर्देश, अवसर का पर्यायवाची शब्द होता है मौका संजोग, परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द होता है बदलाव रूपांतर, सम्मान का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिष्ठा मान। बच्चों अब हम यहाँ पे गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। गद्यांश 1st है कि ये विडंबना की बात है कि युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार वो कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रामिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती।
भारत की जाति प्रथा की एक और यह विशेषता है कि यहाँ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। इस गद्यांश से प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत अवतरण किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत अवतरण श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक लेख से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रश्न खा है, इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है और क्यों। तो इसका आंसर है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद श्रम विभाजन का एक अभिन्न अंग है। श्रम विभाजन के आधार पर ही जातिवाद की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न गा है, भारत की जाति प्रथा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका आंसर है, भारत की जाति प्रथा की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। ऐसी व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। प्रश्न घा है कि सभी समाज की क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर है, समर्थन के आधार पर सभी समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन में आवश्यक अंग मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यदि श्रम विभाजन ना हो तो सभ्य समाज की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। प्रश्न अंग है कि श्रम विभाजन में आपत्तिजनक कौन सी बात है। तो इसका आंसर है, श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक अंग है। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही रूप है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। सभ्य समाज की ऐसी व्यवस्था ही श्रम विभाजन की आपत्तिजनक बातें हैं। सेकंड गद्यांश है कि जाति प्रथा यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। सेकंड गद्यांश से प्रश्न बनता है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। प्रश्न ख है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। प्रश्न ग है, लेखक के अनुसार सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर है, सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता का विकास इस सीमा तक किया जाए जिससे वे अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। प्रश्न घ है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर है, सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देना जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। प्रश्न अंग है कि किस प्रथा को श्रम विभाजन मान लेना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो इसका आंसर है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लेना स्वाभाविक विभाजन नहीं है। थर्ड गद्यांश है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को
दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए कम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्वाध रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इस गद्यांश से प्रश्न बनता है क, प्रश्न है गद्यांश के पाठ एवं लेखक के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। प्रश्न ख है श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त क्यों है? इसका आंसर है श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं रहता, यह मानवीय स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। ग प्रश्न है आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? तो इसका आंसर है जातिगत निर्धारित कार्य को लोग अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं, ऐसा करना गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। बच्चों प्रश्न घ है कि जाति प्रथा में कुशलता प्राप्त करना कठिन क्यों है? तो इसका आंसर है जाति प्रथा में परंपरागत कार्य से लोग आजीवन जुड़े रहते हैं। यह प्रथा दुर्भावना से ग्रस्त रहकर दिल दिमाग का उपयोग किए बिना कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके चलते कुशलता प्राप्त करना कठिन है। प्रश्न अंग है जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है क्यों? इसका आंसर है जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। फोर गद्यांश है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आभास संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इस गद्यांश से प्रश्न क है लोकतंत्र कैसे समाज की परिकल्पना करना चाहता है? तो इसका आंसर है लेखक एक आदर्श समाज की स्थापना चाहते हैं, ऐसे समाज जो जाति प्रथा से ऊपर उठकर स्वतंत्रता, क्षमता, भातृत्व पर आधारित हो। आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। प्रश्न ख है लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर है लोकतंत्र केवल शासन पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। प्रश्न ग है भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है? तो इसका आंसर है दूध और पानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। शुद्ध दूध में भी पानी का कुछ न कुछ अंश रहता है। सभ्य समाज में जाति प्रथा के नाम पर श्रम का भी विभाजन कर दिया है, विविध जातियों का मिश्रण भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था ही भाईचारा है। विविध धर्म संप्रदाय के होकर भी हम भारतीय हैं, हमारा संबंध अक्षुण्य है। यही कारण है कि भारत में भाईचारे का संबंध दूध और पानी की तरह है।
प्रश्न घ है, किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? तो इसका आंसर है, सभ्य समाज ने जाति प्रथा के नाम पर समाज के विविध कर दिया है। ऐसे समाज में सबको भाग लेना चाहिए तथा एक दूसरे की रक्षा के लिए सजग रहना चाहिए।